Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 9 chapter 4 NCERT exemplar problem. ठीक है, ये स्टूडेंट से लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, अब स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ हमारा आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप ही लोग के भरोसे पे हैं। अब स्टूडेंट देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक सैम्पल क्वेश्चन है कि द लीनियर इक्वेशन 3x - y = x - 1 हैज। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स कि अगर x की हम डिफरेंट वैल्यू लेते जाएं तो y की भी डिफरेंट वैल्यूज हमें इनमें मिलती हैं। ठीक है, यानी जितनी भी चेंज करके वैल्यू लेते जाएंगे, यानी हम इनफाइनाइट वैल्यू अगर एक्स की लें तो इनफाइनाइट वैल्यू हमें वाई की मिलेगी। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो सी करेक्ट होगा। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इसका आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, समझने की बात है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म, जैसे ये स्टूडेंट्स ये इक्वेशन लिखी है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब अगर आप इसमें a की वैल्यू अगर हम जीरो रख दें, यानी x की वैल्यू अगर हम जीरो रख दें, x इज इक्वल टू जीरो, तो ये बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में आ गई, क्योंकि a की वेरिएबल y दिया गया है। अब अगर हम, ठीक है, यानी a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो a की वैल्यू अगर x की वैल्यू जीरो होगी तो a अपने आप गायब हो जाएगा, तो a की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर हम y की वैल्यू को जीरो लेते हैं, ठीक है, तो ये केवल अगर हम y इज इक्वल टू इसमें जीरो है, ठीक है, तो c बराबर जीरो आ जाएगा, तो ये केवल कांस्टेंट वेरिएबल हो गया। तो इसलिए जरूरी है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल में है, ठीक है, तो उसके लिए a और b की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये उसकी नेसेसरी कंडीशन है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो a करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर अब देखिए एक्सरसाइज 4.1 है, वो सैंपल क्वेश्चन दिए गए थे, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 9 थी, हमने फिर से लिख दिया इसमें। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, लीनियर इक्वेशन 2x - 5y = 7 हैज। ठीक है, तो अब इसका क्या है स्टूडेंट्स, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, जो वो सैंपल क्वेश्चन था वैसे ही है, क्योंकि एक्स की डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो वाई की डिफरेंट वैल्यू भी। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर, चूंकि नेचुरल नंबर का कोई एंड नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके। द इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर, अगर एक्स और वाई नेचुरल नंबर हैं तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर नेचुरल नंबर लेती है। ठीक है, अगर हम एक्स की वैल्यू वन लेंगे, ठीक है, तो वाई की भी एक नेचुरल नंबर वैल्यू आएगी, यानी एक डेफिनेट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एक्स एंड वाई आर क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, तभी उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। द इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ एक्स कॉमा वाई आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है कि 2,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इतने देन द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें स्टूडेंट जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें ये दिया है 2,0। ठीक है, तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। तो इसमें ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 बराबर k। ठीक है, तो k की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो इसका ऑप्शन a जो है वो करेक्ट होगा। अब इसके बाद देखिए एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 0y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड टू वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म। अब देखिए स्टूडेंट्स y की वैल्यू यहां पर 0 है। ठीक है, एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म -9/2, m। ठीक है,
तो यहाँ पे m का कोई काम, क्योंकि m यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम स्टूडेंट की y यानी 0 इंटू वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो अब अगर जो है यहाँ पर क्या आ गया, देखिए 2x इज इक्वल टू माइनस 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 9 अपॉन 2, ठीक है। तो ये x की वैल्यू माइनस 9 अपॉन 2 आ गई, 2x, ठीक है। तो x की वैल्यू माइनस 9 अपॉन 2 आ गई इसकी। अब इसके बाद जो है तो माइनस 9 अपॉन 2 कॉमा m, तो y की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि 0 इंटू y यहां पर दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस 9 अपॉन 2। और किसी में भी देखिए आप, किसी भी ऑप्शन में x की वैल्यू केवल यहां पर दी गई है, ये माइनस 9 अपॉन 2, और कहीं x की वैल्यू माइनस 9 अपॉन 2 नहीं दी गई, ठीक है। m की वैल्यू आप चाहे जो भी ले लीजिए यहाँ पे, y की वैल्यू अगर हम m भी रखेंगे तो 0 इंटू m क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा उनने टेक्निक का यूज कर दिया जिसमें m यहाँ लिख दिया, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये वाला पॉइंट इसमें रखें, देखिए 2x प्लस 0y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है, माइनस 9 अपॉन 2, ठीक है, प्लस 0 इंटू m, ठीक है, प्लस 9। अब इसको सॉल्व करिए तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस 9 प्लस 9, ये आ गया 0 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट जो है a का जो पॉइंट है, ये इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन a ही करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए 5 क्वेश्चन में क्या है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन कट्स द y एक्सिस। जब ये y एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, तो y एक्सिस को जब कट करेगा तो x की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है इसमें, ठीक है, ये देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। अब ये जो है ग्राफ कहाँ कट करता है, देखिए इसमें लिखा है कि ग्राफ कट्स द y एक्सिस। जब y एक्सिस को कट करता है तो x इज इक्वल टू 0, अब इसमें x की वैल्यू 0 रख दीजिए तो 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 अपॉन 3 कितनी हो गई, 2 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है, y इक्वल टू 2 हो जाएगा स्टूडेंट। तो y इज इक्वल टू 2, तो इसलिए यहां पर देखिए y की वैल्यू कितनी दी गई, 2 दी गई, तो ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। अब 6 वाले में क्या है आपका, द इक्वेशन x इज इक्वल टू 7 इन टू वेरिएबल कैन बी रिटन एज। अब देखिए x इज इक्वल टू 7 दिया है और इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए ए एक्स, ठीक है, या c को उधर ले जाएंगे तो इधर 7 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा कि 1x प्लस 0y, क्योंकि y इसमें दिया नहीं है, इक्वल टू 7, ये आ जाएगा। तब देखिए कहाँ लिखा, 1x प्लस 0, 1x प्लस 0 इंटू y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है ये आपका b करेक्ट हो जाएगा, 6 का b। तो इस तरीके से इसको करना था हमें, इसका ऑप्शन b आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 7 देखिए, एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, तो x एक्सिस के लिए जो है वो y की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस के लिए y की वैल्यू 0 होती है, तो इसका ऑप्शन जो है वो c करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि a कॉमा ये आएगा, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल टू x इज ऑफ द फॉर्म। अब देखिए y इज इक्वल टू x का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से देखें, y इज इक्वल टू x, अगर देखिए ग्राफ बना के अगर हम इसको बताएं आपको, ठीक
ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर वन है तो इसकी वैल्यू भी वन होगी, तो वन, तो ये पॉइंट आएगा इस तरीके से, ऐसे, तो इसकी कोऑर्डिनेट वन कॉमा वन होगा। फिर इसके बाद अगर x की वैल्यू टू लेंगे तो y की वैल्यू टू आएगी, ठीक है। तो अगर हम x बराबर a लेते हैं तो y बराबर भी कितना आएगा, a आएगा, तो इसलिए a कॉमा a जो है वो पॉइंट हो जाएगा। अब इन्होंने नंबर नहीं लिया, ए कॉमा ए ले दिया, कंफ्यूज कर, क्योंकि दोनों इक्वल है वाई बराबर एक्स, तो जो वाई की वैल्यू होगी वही एक्स की वैल्यू होगी, तो सेम वैल्यू किसी में नहीं आ रही है, केवल ए में दिखाई दे रही है ए कॉमा, इसलिए ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, ठीक है। फिर नाइन है, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो वाई बराबर जीरो होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, y बराबर जीरो होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगी, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस के लिए y की वैल्यू क्या होती, जीरो हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू सिक्स इज अ लाइन, ठीक है, द ग्राफ ऑफ y बराबर सिक्स। अब देखिए अगर हम बात इसको इस तरीके से करें, ये हो गया, ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर सिक्स है, ठीक है, यहाँ पर ये एक यहाँ से लाइन खींच देंगे, तो ये वाई की वैल्यू यहाँ पर सिक्स है, ये पॉइंट ये सिक्स है, तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो देखिए ये मिल गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, एट अ डिस्टेंस सिक्स यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, और ये ओरिजिन है, ये हमारा क्या है, ये ओरिजिन है, तो यहाँ से कितने यूनिट की डिस्टेंस पर है, सिक्स यूनिट की डिस्टेंस पर है फ्रॉम द ओरिजिन, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि वाई बराबर सिक्स यहाँ होगा, तो यहाँ से एक लाइन हम अगर ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इलेवन क्वेश्चन में क्या है, एक्स बराबर फाइव वाई बराबर टू इज अ सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, तो ये दोनों वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, और जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होगी वही उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए पहला वाला नहीं होगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 5 रखोगे और y की वैल्यू 2 रखोगे, तो 5 प्लस 4 तो 9 इज इक्वल टू 7, ये सही नहीं होगा, ठीक है, ये वाला सेकंड भी सही नहीं होगा, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा सी, क्योंकि x की वैल्यू हम 5 रखेंगे और y की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 7, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, 11 का जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। 12 में एफ अ लीनियर इक्वेशन है, अब देखिए तीन पॉइंट दिए हैं, ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही उसका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये माइनस टू है और ये टू है, यानी दोनों ये नंबर इक्वल हैं, लेकिन इनके साइन अपोजिट हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर हम इसको पुट करें, देखिए एक्स की वैल्यू माइनस टू वाई की वैल्यू टू, तो ये आ जाएगा माइनस टू प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी जीरो इज इक्वल टू जीरो ही आ गया। अब जीरो जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है, फिर टू माइनस टू है तो अब इसका बस ये हो गया, तो ये हो जाएगा कि टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 12 का कौन सा है, ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। 13 में क्या है, द पॉजिटिव सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ऑलवेज लाई इन, क्योंकि बात कर रहा है पॉजिटिव सॉल्यूशन, तो पॉजिटिव सॉल्यूशन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो 13 का ए सही होगा। 14 में क्या है स्टूडेंट्स, देखिए द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज अ लाइन विच मीट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट, ठीक है, तो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर मिलती है, ठीक है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 लाए, ठीक है, अब किस पॉइंट पर मिलेगी, चलिए देखते हैं, ठीक है, तो किसको मिलती है, एक्स एक्सिस को मिलती है, तो इसका मतलब है कि वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मीट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट, ठीक है, तो 14 में क्या हो जाएगा, फॉर एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, तो 3 कहाँ दिया है, ये है x की वैल्यू 3 c में दी गई है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर 15 में क्या है, देखिए द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू x पासिस थ्रू द पॉइंट, अब यहाँ पर भी वही चीज है, देखिए y इज इक्वल टू x,
तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी, जिसमें दोनों सेम होंगे। देखिए इसमें नहीं है, इसमें माइनस साइन का अंतर एक प्लस का है एक माइनस का है, इसमें 0 है, ये दोनों डिफरेंट हैं, डी वाले में दोनों डिफरेंट है तो सी वाले में दोनों सेम है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब 16 वाले में क्या है, देखिए इफ बी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद अ नॉन जीरो नंबर देन द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन लिखिए, देखिए स्टूडेंट्स अगर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मान लीजिए 2 लिखा है, तो दोनों साइड हम किसी भी नंबर से, ठीक है, जो जीरो को छोड़ करके किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते डिवाइड कर सकते। अगर देखिए हम 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, अब भी ये इक्वेशन सेम है, ठीक है, अब भी ये इक्वेशन क्या है सेम है, ठीक है, तो रिमेन्स द सेम होता है। फिर 17 में क्या है, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई कैन बी सेटिस्फाइड बाई एक्स बराबर 1 एंड वाई बराबर 2, ठीक है, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन, तो बहुत सारी ऐसी लीनियर इक्वेशन होंगी जो x बराबर 1 और y बराबर 2 को सेटिस्फाई करेंगी, तो इनफाइनाइटली मैनी हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, इनफाइनाइटली मैनी हो जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी इक्वेशन ऐसी होंगी क्योंकि वो x बराबर 1 और y बराबर 2 को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। फिर आपका है 18 क्वेश्चन, देखिए द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए कॉमा ए ऑलवेज लाई ऑन, ठीक है, ऑन द लाइन y बराबर x, इस पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट ये, ठीक है, y बराबर x, क्योंकि a कॉमा a का मतलब है जो x की वैल्यू है वही वैल्यू y की है, तो इस केस में क्या होगा y बराबर x होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। 19 क्या है, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म, अब देखिए एक a है और एक माइनस a है, तो x की वैल्यू a है और y की वैल्यू माइनस a है, ठीक है, लाए ऑन द लाइन, तो हमेशा किस लाइन पर लाए करेगा, अब चूंकि ये बात कर रहा है लाइन की, ठीक है, तो लाइन ये वाली होगी, क्योंकि इस लाइन में अगर हम x की वैल्यू a रखें और y की वैल्यू माइनस a रखें तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये लाइन होगी, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी स्टूडेंट्स क्या है करेक्ट है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने थे, यही क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको RD शर्मा सब जगह पर मिलेंगे, इसलिए आप NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम